नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में आज उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद बीजेपी विधायक मधु गहलोत को सड़क पर उतरना पड़ा। दरअसल बीजेपी विधायक मधु गहलोत अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। बीजेपी विधायक का आरोप है कि यहां पर पुलिस ने एक एफआईआर लिखने के एवज में 3 लाख रूपये की रिश्वत ली है। इसकी जानकारी जैसे ही बीजेपी विधायक को मिली, वो एसपी कार्यालय पहुंच गए और धरने पर जाकर बैठ गए। विधायक घूसकांड को लेकर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जमकर हुए हंगामे के बाद एसपी ने दोनों आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। इसके खिलाफ कार्रवाई भी कराना चाहते थे हम, क्योंकि इसने हमारी झूठी शिकायत कर दी थी। हमने पैसा पूरा दिया, फिर भी हमारे पे झूठा मुकदमा करवाना चाहता था, तो इस पे कायमी कराने के लिए हमने कहा कायमी करो। इसने झूठा हम पे शिकायत की है, तो उन्होंने कहा पैसा लगेगा। तो कितना लगेगा हम समझे, सिस्टम होगा। तो हमने 3 लाख रुपए बोला। किसको दिया आपने? नरेंद्र सिंह भाटी और राधेश्याम कारपेंटर थे, ये विवेचक थे, ये विवेचना अधिकारी इनको बनाया। पैसे आपने ये हमने इसी दौरान दिए, जांच के दौरान ही। कब मतलब? थोड़ा समय, मतलब समय करीब 20 दिन पहले। आज इतने दिन बाद ये इतना सब माया? इतने दिन बाद क्या, हमने कायमी नहीं हो रही थी, 25 को जाएगी, 30 को ये कल कायमी हुई। कल कायमी होने के बाद फिर हमने बताया विधायक जी को कि भाई हमसे पैसे लिए गए। विधायक जी ने फोन लगाया था टीए साहब को, और उसके बाद भी पैसे लिए। तो विधायक जी ने कहा कि भाई तुम मेरे कहने के बाद पैसे लिए तो चलो, आपको बोलना पड़ेगा। जिसका अपराध पंजीकृत हुआ था, उस 420 के अपराध के जो प्रार्थी है उनके द्वारा विधायक जी के साथ में यहाँ पे ये बताया गया, उस प्रकरण में प्रधान अधीक्षक राधेश्याम कारपेंटर और प्रधान अधीक्षक नरेंद्र सिंह भाटी के द्वारा 3 लाख लिए गए। उन्होंने संबंध में एक आवेदन पत्र भी दिया है, उसी आवेदन पत्र के आधार पर मैंने उन दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उसमें प्राथमिक जांच मैंने सीएसपी को दे दी। सर, बताया जा रहा है कि पैसे वापस करने के लिए अड़े रहे विधायक जी और आपने आश्वासन दिया कि वापस मिलेगा। मैंने उनको कहा कि जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, और जो इसमें जिसपे आरोप है राधेश्याम कारपेंटर वो भी सामने था, उसको भी सभी के सामने उससे भी पूछताछ हुई है। तो अब इसमें विधिसम्मत कार्रवाई जो है सीएसपी को दे दी गई है, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे वैसे।